एक बड़ी गलती मैंने क्या करी थी कि मैं कभी ये सोच ही नहीं पाता था कि मैंने एक बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। उस बुक के बाद उसने मेरी मेंटालिटी पूरी चेंज हो गई। मेरी मेंटालिटी जो मैं इतना सोचता था उसके बाद मैं इतना सोचने लगा। एक छोटा सा पेपर आपकी 80 साल की जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। अभी भटक भी सकते हो, 11 12th की जर्नी है, प्यार व्यार के चक्कर में भटक भी सकते हो, होता है, सबको होता है, नेचुरल है। बस आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, जो भी करो जिंदगी में बढ़िया तरीके से करना और कभी हार मत मानना और हमेशा बड़ा सोचना। मैंने भी ये गलती करी थी। पहले क्या होता था ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब लाइफ हैज बीन वेरी टफ फॉर मी एज वेल, मतलब अभी भी टफ है लाइफ जिंदगी। पर स्टार्टिंग में तो मतलब जब मैं 11 12th क्लास में था, कॉलेज में था, तो बहुत ज्यादा टफ थी जिंदगी। तो एक बड़ी गलती मैंने क्या करी थी कि मैं कभी ये सोच ही नहीं पाता था कि मतलब बड़ा कैसे सोचना है, ये बड़ा कुछ करना भी है। मैं बस छोटा सा सोचता था कि यार इतना इतना पैसा हो जाएगा, इतना इतना हो जाएगा मेरा काम। टेंशन ही बहुत थी, परेशानी बहुत थी। पर मेरी तरफ से अगर मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आपको एक एडवाइस करूंगा, सिंपल से एक एडवाइस करूंगा, बड़ा सोचना है। तो क्या हम बड़ा अचीव कर पाएंगे? हाँ, तुम कर सकते हो। मैंने एक बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। उस बुक के बाद, वो कोविड का समय चल रहा था, उस बुक के बाद उसने मेरी मेंटालिटी पूरी चेंज हो गई। मेरी मेंटालिटी जो मैं इतना सोचता था उसके बाद मैं इतना सोचने लगा। मुझे पता नहीं, आज तक मुझे नहीं पता यहाँ ऐसे ये इतना कैसे करना है या फिर इतना कैसे करना है, पर मैं सोचता बहुत बड़ा। तो आप लोगों को भी बड़ा सोचना है। और एक बात हमेशा याद रखना है, मैं भी अपने आपको बोलता हूँ कि यार गिरूंगा तो 50 बार यार, प्रॉब्लम तो बहुत सारी आएंगी यार, और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, पैसों का, अरे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है जीवन में यार, कुछ भी आ सकता है, पता नहीं भाई। पर मैं रेडी हूँ, पर मैं रेडी हूँ, रो लूंगा, धो लूंगा, सर पीट लूंगा, पर हार नहीं मानूंगा यार, क्योंकि मुझे इतना करना है और इतना करूंगा तो शायद इतना करना है। तो आप लोगों को भी यही करना है। क्लास 10th का एग्जाम छोटा सा एग्जाम है, आप लोग के लिए बहुत बड़ा है, मेहनत करना है आपको, लेकिन छोटा सा, मतलब उसको दिमाग में लोड नहीं लेना, लोड बिल्कुल मत लेना। तो आजकल आप न्यूज सुनते हो ना कि बच्चा ने ये कर लिया, बच्चा ने वो कर लिया, तुम लोग नहीं, नहीं, हमें बहुत कुछ अचीव करना है जिंदगी में। एक छोटा सा पेपर आपकी 80 साल की जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। आगे मिनिमम 50 साल ले लो, बहुत जिंदगी बाकी, मेरी जान तू उखाड़ सकता है। बस बड़ा सोचना है और अच्छा करना है। अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो यार, कॉम्पिटिशन से मत डरना, मेहनत करना। तू मेहनत करेगा ना, तू जीतेगा, आज नहीं तो कल जीतेगा, प्रॉमिस जीतेगा। कोई अगर तू मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, दिन रात एक करेगा, कोई देख रहा है, तुझे देगा, तुझे देगा, तुझे देगा, तुझे बिलीव करना है अपने ऊपर। बिलीव कर पहले अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं, तू करेगा। आज हो सकता है तू एक छोटे से कमरे में बैठा होगा, शायद ईंट का घर होगा, शायद घर पे 10 परेशानी होंगी, या फिर जिनके पास शायद घर होगा पर मेंटल पीस नहीं होगा, सब मिलेगा तुझे, सब मिलेगा। तो बस अपने आप पर मेहनत कर, बस अपने आप पर मेहनत करो। और हाँ, इन सबको असाइड रख के बोलूंगा, एक अच्छा इंसान हमेशा बन, एक अच्छा इंसान हमेशा बन। कहने का मतलब, कभी कोई कुछ बोल रहा है तो सुन उसको अच्छे से, कभी कोई परेशान है तो सुन उसको अच्छे से, गले लगा उसको अच्छे से, अच्छा करने की कोशिश कर। कभी कोई गरीब मिल जाता है, तेरे पास 50 रुपये है ना, 50 रुपये है ना, 5 रुपये दे दे, क्या हो जाएगा। अच्छा करने की कोशिश कर अपने साइड से, सबके लिए अच्छा सोचना है। मम्मी पापा को प्राउड फील करो, उनको कभी डांटना, कभी कभी तो लड़ाई होती है, लड़ाई होनी भी चाहिए, वही वो दिखाता है कि हम उनको उनसे प्यार करते हैं। दोस्त से लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई अच्छी बात है, पर डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी कभी इसे। अपने साइड से अच्छा होकर चलना है हमेशा, ठीक है, ठीक है। और अभी भटक भी सकते हो, 11 12th की जर्नी है, प्यार व्यार के चक्कर में भटक भी सकते हो, है ना, होता है, सबको होता है, नेचुरल है। पर उसको यार दिमाग में मत बैठने देना। सबसे पहली चीज अपनी हमेशा करियर रखना मेरी जान, क्योंकि अगर तू करियर अच्छा रख लेगा ना, तुझे सब मिलेगा यार। मैं ये फगुनिया से भी बोल रहा हूँ, ये मैं लड़कों से भी बोल रहा हूँ, होता है प्यार, नॉर्मल लगता है, नॉर्मल होता है सब। और बहुत तकलीफ होती है उस समय कि यार ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, उस लड़के से बात क्यों कर रही है, ये उस लड़के से क्यों बात कर रहा है, होगा सब, तुम भी फेस करोगे। पर उसको मन में मत आने देना यार, हमेशा अपने आप को बोलना कि यार मैं पहले कुछ करना चाहता हूँ यार, मैं पहले कुछ करना चाहता हूँ, मैं पहले कुछ उखाड़ना चाहता हूँ यार। और अगर तू उखाड़ लेगा ना, तब मिलेगा रे तेरे को, सब मिलेगा रे तेरे को, सब मिलेगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, सब मिलेगा, ठीक है। मेहनत करना है, मेहनत करना है, जी जान लगा के मेहनत करना है। और कभी कभी आलस भी करना है, कभी कभी सिर्फ रील्स चलाना है, कभी कभी बैठे रहना है, सोना है, 12 घंटे सो रहे, कभी कभी चलता है,
ज्यादा दिमाग में लोड भी नहीं लेना, खुश रहना है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना है, और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी, बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने मुझे बहुत ऊपर पहुंचा दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक साल पहले इतना बच्चा नहीं जानता था, पर आप लोगों ने, अब हर जगह मैं अपना नाम सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, सब तुम्हारे हवाले, कभी मिलो आके जादू की झप्पी से देखना, ठीक है। अब जाओ, जिस भी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में है, 50% हुआ है, 60% हुआ है, 80% हुआ है, डरो मत, जाओ मेहनत करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, मेहनत करो, सब तुम्हें बता चुका हूँ किस तरीके से करना है, क्या करना है, मेहनत करो, मुझ पर विश्वास रखो, जो मैंने करवाया वही आएगा, कोई टफ एग्जाम नहीं आएगा बोर्ड का। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मैं आप लोग के थोपड़े नहीं देख पाया, पर कोई बात नहीं, जरूर मिलूंगा आप लोगों से, प्लीज आना जरूर मेरे पास, मिलो मुझे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।